सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अगर आप लोगों को याद हो तो ये डोमेन और रेंज का सबसे पहला टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को 12th चैप्टर में करवाया था। डोमेन और रेंज दो चीजें होती हैं। अगर आप साइन और कॉस की बात करो, इसमें कौन कौन से फंक्शन है, जैसे उन्होंने तकरीबन सभी फंक्शन दिए हैं, सेक नहीं है, बाकी तकरीबन सभी फंक्शन है, तो थोड़ा सवाल टफ हो सकता है इसका। सबसे पहले हम कैटेगरी करते हैं साइन और कॉस की। तो साइन के तकरीबन दो सवाल है और कॉस का एक ही सवाल है। तो साइन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 2 sin 3x। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है इसके डोमेन और रेंज निकालो। जहन में रखो साइन फंक्शन की डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होती है। साइन और कॉस को आपने सेम तरीके से ट्रीट करना है। जो मैं साइन की बातें बता रहा हूँ कॉस पे भी आपने वही लगानी है। तो मैं कॉस का सवाल ही सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, उसी से आप लोग सॉल्व कर लेना। साइन और कॉस को सेम तरीके से आपने ट्रीट करना होता है। और सबसे पहले अगर बात की जाए साइन की डोमेन की, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों डोमेन क्या होती है, कि आप फंक्शन में क्या पुट कर सकते हो। साइन और कॉस में कोई मसला नहीं होता, जो आपका दिल चाहता है आप पुट कर दो। दैट्स वाई हम कहते हैं साइन और कॉस में कि इनकी डोमेन जो है वो रियल नंबर है। सिंपल साइन फंक्शन अगर आएगा साइन एक्स, अगर उसके साथ कुछ और आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 3x और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अभी भी डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सिंपल साइन एक्स आ जाए या आपके पास साइन 2x आ जाए या 3 × साइन 4x आ जाए, कुछ भी आ जाए, डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन और कॉस की बच्चों डोमेन जो है वो रियल ही रहेगी, इसलिए इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रही बात रेंज की, रेंज क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज का ताल्लुक बाहर वाले नंबर से होता है कि बाहर वाला नंबर क्या है। अंदर अगर ये नंबर लिखा हुआ है इसका रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका पीरियड से ताल्लुक है। अंदर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा ना वो इस फंक्शन के पीरियड को चेंज करेगा। तो अंदर जो नंबर है इसका ताल्लुक पीरियड से है। अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज का ताल्लुक इस नंबर से होता है जिससे आप फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। तो आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ 2 से। मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था कि जो साइन की रेंज होती है, किसी को याद है क्या होती है साइन की रेंज? 1 - 1। एक्सीलेंट। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि -1 से लेके 1, छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक हम जाते हैं। ये होती है रेंज सिंपल साइन फंक्शन की। लेकिन आपका साइन फंक्शन मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो आप रेंज को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो आप रेंज क्या हो जाएगी -2 से लेके 2 फंक्शन की रेंज। ठीक है। तो एक सवाल मैंने आपको साइन का करवा दिया। साइन के जितने भी सवाल आएंगे इसी किस्म का आएंगे। डोमेन में कोई फर्क नहीं होगा, रेंज में फर्क होगा। जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेंज से। तो आपके पास साइन और कॉस की इस तरह आसानी से रेंज आ जाएगी। तो ये सवाल तो आप लोग आसानी से कर लोगे। अब रही बात टेंजेंट की, एक सेकंड, टेंजेंट की डोमेन और टेंजेंट, लेकिन थोड़ा फर्क आ जाएगा। सही है, चलो मैं सब करवा देता हूँ। जो टेंजेंट के कितने सवाल है? टेंजेंट के 2 सवाल है। मैं फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 8 है। तो पार्ट नंबर 8 थोड़ा मुश्किल लग रहा है दिखने में, एक ही बात है वैसे, लेकिन पार्ट नंबर 8 चलो करवा देता हूँ। तो टेंजेंट के भी कवर कर लेते हैं, फिर बाकी को sec cot होके आ जाते हैं। तो लिखा हुआ आपके पास फंक्शन है f(x)। ये f(x) लिखा हुआ नहीं है वैसे, अपनी तरफ से मैंने लिखा है, फंक्शन की नोटेशन होती है ना। बहरहाल ये आपके पास फंक्शन मौजूद है टेंजेंट x/7। अगेन वही, आपको डोमेन और रेंज निकालनी है। जैसे कि आप लोगों को पता है साइन और कॉस की जो डोमेन होती है ना वो रियल होती है। आप साइन के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, उसके एंगल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से टेंजेंट एंड कॉट, इनकी जो रेंज होती है ना वो रियल होती है। टेंजेंट और कॉट दोनों की रेंज जो है वो रियल होती है। तो टेंजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस नंबर से उसके एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हो या आप उस पूरे फंक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेंज उसकी रियल ही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपकी डोमेन या रेंज रियल हो ना तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई आपने देखा था साइन और कॉस में भी डोमेन रियल थी, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह टेंजेंट एंड कॉट के केस में रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, फर्क पड़ेगा डोमेन के ऊपर। डोमेन की जरा बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट था, सिंपल टेंजेंट एक्स कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसकी रेंज इसकी डोमेन हम क्या लिखते थे? रियल नंबर -2, फिर आप लोग बोलते थे n belongs to odd number। अगर याद हो तो हम इस तरह लिखा करते थे। ये होती थी सिंपल डोमेन एक टेंजेंट x की। अब हमारे पास मौजूद है टेंजेंट x/7। अब इसके साथ आपने क्या करना, अब अगेन डोमेन का ताल्लुक होगा जो अंदर लिखा हुआ है। डोमेन चेंज होगी टेंजेंट की जो अंदर लिखा हुआ है, बाहर लिखने से डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास सवाल आ जाए ना बेलफास्ट 2 टेंजेंट x अपॉन 7, तो जो आप इसको इस तरह सॉल्व कर रहे हो उसी को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है, बाहर वाले 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगेन ये बातें सब आपको याद होनी चाहिए, याद होंगी तो समझ आएगी बात कि जो बाहर वाला नंबर होता है उसका ताल्लुक रेंज से होता है। अब रेंज तो इसकी रियल रहेगी, तो इसका मतलब बाहर वाले नंबर का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे 2 टेंजेंट x अपॉन 7 आ जाए या सिंपल टेंजेंट x अपॉन 7 आ जाए, रेंज ऐसी रहेगी और डोमेन पे भी इस 2 का कोई असर नहीं होगा। डोमेन का असर होगा इस वैल्यू का जो इनपुट में आया हुआ है। अगर इनपुट में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब डोमेन पे चेंज होगा, और वो क्या चेंज होगा वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो भी आपके पास डोमेन लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x अपॉन 7, आप एक काम करना x अपॉन 7 को बराबर रखना इसके एन पाई अपॉन 2 के, उसके बाद x की वैल्यू निकालना। x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 को मल्टीप्लाई करवा दो 7 पाई अपॉन 2, उसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे पुट कर देना है, बस ये काम है। ये जो डोमेन थी ना ये सिंपल टेंजेंट की थी, टेंजेंट x की, लेकिन अगर चेंजिंग आएगी x के साथ कोई भी नंबर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x अपॉन 7 लिखा हुआ है, बिल्कुल अगर आपके पास यहाँ पे 7x आ जाता, टेंजेंट 7x ये सवाल आ जाता, तो तरीका सेम ही है। जो टेंजेंट के बाद लिखा हुआ है ना उसको आप रखोगे n पाई बाय 2 के बराबर। यहाँ पे टेंजेंट के बाद लिखा हुआ है x अपॉन 7, तो आपने इसको n पाई बाय 2 के बराबर रखा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x, आप इसको n पाई बाय 2 के बराबर लिखोगे। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, यहाँ से भी x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी n7 पाई अपॉन 2। बस यहाँ पे पुट कर दो, वही आपकी डोमेन होगी n7 पाई अपॉन 2, वेयर n वही बिलोंग्स टू ऑड नंबर जो आप लोगों ने पढ़ा था, बस हल्का फुल्का चेंज होगा। इसी तरह अगर आपके पास इस फंक्शन की डोमेन पूछी जाए तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आ रही है n पाई अपॉन 14, तो आप क्या करना है यहाँ पे n पाई अपॉन 14 लिख देना। इस तरीके से आप टेंजेंट की डोमेन निकालते हो। रेंज जो है वो तो बच्चों रियल ही रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। कोई मसला हो, कोई इश्यू हो तो पूछ लेना। आप जिसने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, जो सेकंड लास्ट लेक्चर था आई गेस वेडनेसडे को जो दिया था, उसमें मैंने समझाया था। अगर जिसे नहीं समझा वो, तो उसको तो ये बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी, तो ऑलरेडी मुश्किल बातें हैं, प्लस लेक्चर में नहीं लिया तो फिर क्या समझ आएगा। अच्छा, उसके बाद हम कॉट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 में कॉट लिखा हुआ है, कॉट 5 कॉट 2x। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? अगेन मैंने अभी आप लोगों को बताया था कॉट और टेंजेंट की जो रेंज होती है ना वो रियल होती है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज को। रेंज जो है वो एज इज ऐसी आ जाएगी, क्योंकि रेंज का ताल्लुक होता है इस नंबर से। ये नंबर अगर 5 मल्टीप्लाई कर भी दो रियल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज कॉट की और टेंजेंट की सेम ही रहती है, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एंगल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज के ऊपर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बात करते हैं डोमेन की। सबसे पहले आपको नॉर्मल जो कॉट फंक्शन है ना उसकी डोमेन पता होनी चाहिए। नॉर्मल कॉट फंक्शन होता है सिंपल कॉट एक्स, उसकी डोमेन होती है रियल नंबर माइनस एन पाई बाय 2 वेयर एन बिलोंग्स टू इवन नंबर। नॉर्मल कॉट एक्स फंक्शन जो है उसकी डोमेन होती है। अब हमारे पास मौजूद है कॉट 2। अगेन 5 का डोमेन से कोई ताल्लुक नहीं है, 5 को इग्नोर करो, उसका ताल्लुक रेंज से था, हमने देखा रेंज रियल है, डोमेन का ताल्लुक इससे 2x है। अब क्या करो आप सिंपल, मैंने पहले जैसे इसके अंदर बताया था कि जो चीज लिखी होगी इसको बराबर रखोगे n पाई अपॉन 2 के। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, आप 2x को रखो n पाई बाय 2 के, और यहाँ से वैल्यू निकालो x की। ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाय 4। जो x की वैल्यू आई है ना वो यहाँ पे आप पुट कर दो, n पाई बाय 4 आई है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरीके से आपके पास कॉट की डोमेन आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपके पास क्या रह गया, 2 एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, पार्ट नंबर 4 भी, पार्ट नंबर 7 भी। तो पार्ट नंबर 4 मैं करवा देता हूँ, पार्ट नंबर 7 आप लोग उसी तरह कर लेना। 4 लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है बताओ कॉसेक 6x की डोमेन। ये सवाल एमसीक्यूज में आएगा, अगर आएगा तो। कॉसेक 6x की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये आपको बताना है। बच्चे आप लोगों को नॉर्मल फंक्शन के बारे में अगर पता होगा तो फिर आप इसके निकाल पाओगे। नॉर्मल फंक्शन सिंपल कॉसेक एक्स के बारे में क्या ना जानते हो आप लोग, आप लोग तो मुझे पता भूले हुए होंगे। किसी को आता है कॉसेक एक्स की डोमेन रेंज क्या आती? सर रेंज तो रियल नंबर है। रेंज मैंने आप लोगों को बताया था कॉसेक सेट के अंदर सेम होती है। क्या होती है कि या तो आपको 1 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा या 1 मिल सकता है, से छोटा मिलेगा या -1 मिल सकता है। 1 और -1 के दरमियान कोई नंबर नहीं होगा, या तो 1 से ग्रेटर या -1 से कम। ये रेंज होती है कोसेक की भी और सेक की भी, दोनों की सेम ही होती है। अब जो भी नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, मैंने बताया था अगर फंक्शन से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है ना तो वो रेंज को चेंज करता है। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो रेंज चेंज होगी आपकी। अब यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं, इसका मतलब रेंज ऐसी रहेगी, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अगर यहाँ पे होता 2 cos x 6x, अब ये क्या हो जाता, ये होता y is greater than or equal to 2, ये होता y is less than or equal to -2। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता 1/3, आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी कर देते। लेकिन सवाल में ऐसा कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेंज ऐसी की ऐसी मौजूद है। आपने फोकस करना है डोमेन के ऊपर। अब डोमेन क्या थी? कोसेक की मैंने आपको डोमेन बताई थी, रियल नंबर माइनस n/2 where n belongs to even number। जो sec की थी ना, सॉरी जो cot की आपने डोमेन पढ़ी थी, वही डोमेन थी cosec की, क्योंकि cot के डिनोमिनेटर में भी साइन आता है, cosec के डिनोमिनेटर में भी साइन आता है। ये नॉर्मल cosec फंक्शन की डोमेन हुआ करती थी। अब चेंजिंग क्या होगी, वही जो मैंने आप लोगों को बताई थी। cosec के बाद क्या लिखा हुआ, 6x को बराबर रखो n/2 के, इस 6 को जाके डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी n/12 अपने आप कर दिया। इस तरीके से आपकी डोमेन जो है वो आसानी से आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे sec फंक्शन होता, फॉर एग्जाम्पल यही सवाल होता sec 6x का, तो मैंने बताया cosec और sec की रेंज सेम ही होती है तो रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे sec फंक्शन होता तो बस यहाँ पे होता है n belongs to odd number, क्योंकि sec की आप डोमेन देखना उसमें odd नंबर आ रहा होता है, ठीक है। तो तरीका यही होता है, बिल्कुल इसी तरह आप इसको इक्वल रखते हैं n/2 के। सब में अभी काम कर रहे हो, आपने देखा साइन कॉस में अभी काम नहीं करते, डोमेन के अंदर उनकी तो रियल होती है, बाकी सब में ही काम करते हो। बस sec में फर्क ये था यहाँ पे ऑड नंबर आ जाता और cosec में इवन नंबर आता है, बाकी तरीका बिल्कुल सेम ही है जैसे आपने cosec देखा है। sec का कोई सवाल नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर आप भी जाए आप आसानी से कर सकते हो उसको, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। मुश्किल कॉन्सेप्ट है मुझे पता है, टाइम दोगे तो समझ आएगी वरना ऊपर से निकल जाएंगे। मैंने बताया था 2-3 चैप्टर को कंबाइन किया मैं, देख लो, और वो भी 2-3 मुश्किल चैप्टर जो बच्चों के फंस जाते हैं वो वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अगेन वो आपको चेक करना है इवन एंड ऑड फंक्शन का। ये बड़ा इजी सवाल होता है, इसमें पार्ट नंबर 1 आप लोग कर लोगे, बहुत बच्चों वाला है। पार्ट नंबर 3 और 4 करवा देता हूँ, वो दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स। तो रिविजन भी कर लेते हैं। इवन ऑड फंक्शन कैसे आप मालूम करते हो? मैंने बताया था एक्स की जगह पे आपको -x पुट करना होता है, तो x की जगह पे -x पुट कर दो। अच्छा यहाँ पे भी x की जगह पे -x पुट कर दो, इसी तरह यहाँ पे भी x की जगह -x और यहाँ पे भी x की जगह -x। सॉल्व करते मैंने बताया था टेंजेंट के अंदर अगर माइनस आए तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा -tan x, डिनोमिनेटर -x। अगेन साइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जब साइन के अंदर नेगेटिव आए तो बाहर निकाल लो। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर से आपको नजर आ रहा है कि माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन लो, ये हो जाएगा x प्लस साइन एक्स। माइनस कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, कैंसिल कर दो माइनस को। आप देखो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, मतलब h ऑफ -x यहाँ पे बराबर है h ऑफ x के, ओरिजिनल फंक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन। अगर डिटेल आपको जाननी है तो मैं बताया वेडनेसडे वाले लेक्चर नंबर 36 होगा आई गेस, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया भाई। पार्ट नंबर 4 को भी जल्दी से कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है x³ sin x plus cos x। अगेन वही काम करो, x की जगह -x पुट करो, ये x का क्यूब था अब हो जाएगा -x का क्यूब। अच्छा यहाँ पे अगेन x की जगह पे आपने -x पुट करना है, तो साइन के अंदर भी -x आ जाएगा, कॉस के अंदर भी -x आ जाएगा। मैंने बताया था कॉस के अंदर अगर माइनस आए इग्नोर कर दो, ठीक है, तो इसको माइनस को तो इग्नोर कर देंगे और इस माइनस को हम बाहर ले आएंगे। अच्छा -x का जब क्यूब करोगे तो -x³ आएगा और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, साइन -x बराबर होगा -sin x के और कॉस -x सिंपल कॉस x के बराबर ही हो जाएगा। आप देखो ये ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन तो ये था, ओरिजिनल फंक्शन तो नहीं आ रहा। आप एक आखिरी काम कर सकते हो, आखिरी काम क्या है कि आप अगर ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लो और देखो क्या ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, जरा देखते हैं। x की अपनी जगह पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन से जब इससे माइनस कॉमन लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस से माइनस पॉजिटिव होगा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगेन आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, ओरिजिनल फंक्शन में साइन और कॉस दोनों ऐड हो रहे हैं, जबकि आप वाले फंक्शन में साइन माइनस कॉस एक्स है। इसका मतलब माइनस कॉमन लेने से पहले और माइनस कॉमन लेने के बाद ओरिजिनल फंक्शन दोनों केसेस में नहीं आपके पास आ रहा। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन ही नहीं आ रहा तो उस वाले को आप बोलोगे नाइदर, मतलब ना ये इवन है ना ये ऑड है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करोगे। कोई सवाल है पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर ऑड कब आएगा? यार ऑड उस वक्त आएगा बिलफर्ज इस एग्जांपल को मैं अगर चेंज करूं बन जाएगी। मैंने आप लोगों को ऑड में बताया था, ऑड में सिंपल ये होगा कि आपके पास एक फंक्शन आएगा लेकिन फंक्शन के साथ माइनस आ रहा होगा। जैसे एज्यूम कर लो कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने माइनस एक्सपुट किया सिंप्लीफिकेशन की, आपके पास यही फंक्शन अगर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये सवाल होता, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना। अगर मैं इसमें ये चेंजिंग करता हूँ, अगर इस तरीके से आता है, देखो ओरिजिनल फंक्शन आ गया एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओरिजिनल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव साइन, तो अब आप इसको ऑड बोलोगे। अगर पूरा ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा था, एग्जैक्ट मैच कर रहा था, तो ये वन फंक्शन है। लेकिन अगर ओरिजिनल फंक्शन आए नेगेटिव साइन के साथ तो अब आप उसको ऑड बोलोगे, और अगर ओरिजिनल फंक्शन आ ही ना रहा हो तो ना वो इवन होगा ना वो ऑड होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था सवाल पेपर में आते नहीं है, बहुत छोटे छोटे से सवाल होते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं। लेकिन अगर पेपर में आएंगे तो आपने इसको लंबे वाले तरीके से करना है। मैं दोबारा लंबा वाला तरीका बता देता हूँ। सबसे मुश्किल सवाल जो है वो पार्ट नंबर 9 ही है, काफी फालतू सा एंगल उसका नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर 9 में आप लोगों को करवाता हूँ कि बिलफर्ज अगर पेपर में आया क्वेश्चन के अंदर, सब्जेक्टिव के अंदर 2 नंबर का 3 नंबर का बिलफर्ज अगर आ गया तो क्या मेथड पूरा होगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। अगर एमसीक्यूज में आया तो डायरेक्ट किस तरीके से आप पीरियड निकालने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 जो है वही थोड़ा लग रहा है मुश्किल, उसको जरा कॉपी करते हैं। 7/2 और 2πx/3 ये फंक्शन मौजूद है। इस फंक्शन का नाम उन्होंने दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल f(x), इसको हमने f का नाम दे दिया। तो f(x) = 7/2 cot 2π/3x। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट बताया हुआ था पीरियड निकालने का, जो कि एमसीक्यूज में आपने निकालना है। तो पहले हम जरा पीरियड निकाल लेते हैं, फिर हम लॉन्ग मेथड कर लेंगे। शॉर्ट मेथड मैंने आप लोग क्या बताया था, आप यहाँ पे देखो फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है यहाँ पे कॉट का पीरियड क्या होता है, कॉट का पीरियड पाई होता है, टेंजेंट और कॉट इनके पीरियड पाई होते हैं। लिख दिया आपने पाई। अब आपने पाई को डिवाइड करना है उस नंबर से जो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे एक्स से क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2π/3। तो आप पाई को उस नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो मैंने पाई को डिवाइड कर दिया 2π/3 से। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ये 3 ऊपर जाके पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3π/2π। पाई से पाई कैंसिल, पीरियड आपके पास क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है। जरूरी नहीं कि पीरियड के अंदर पाई आना जरूरी है, नहीं, पीरियड एक सिंपल डिस्टेंस होता है, चाहे उसके अंदर पाई आ जाए चाहे उसके अंदर पाई ना आए, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। जैसे 3/2 क्या 1.5, इसका मतलब 1.5 डिस्टेंस के बाद ये ग्राफ आपका दोबारा रिपीट कर रहा है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप इसको जो ऐप मैंने बताई हुई डेस्मॉस के उसमें पुट करो, जो भी इसका फंक्शन बन रहा होगा, जिस किस्म का भी बन रहा होगा, देखना 1.5 डिस्टेंस के बाद दोबारा वही चीज आ रही होगी, दोबारा रिपीट कर रहा होगा। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या 3/2, ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अगर पेपर में आएगा, ये तो एमसीक्यूज में आया तब ऐसे करोगे, अगर पेपर में आया तब कैसे करोगे उसको जरा देख लो। सबसे पहले तो कॉपी कर देते हैं, आपने कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने कल भी बताया था ये प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन के ये पूरा एंगल है ना इसका, इस पूरे एंगल के अंदर अगर आप 2π ऐड करोगे, साइन कॉस की बात कर रहा हूं मैं अभी, साइन और कॉस के लिए हम क्या देखते थे कि इनका पीरियड 2π हुआ करता था। तो अगर आप एंगल में 2π ऐड कर दोगे तो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपको वैल्यू मिल रही होगी। जैसे cos 30 जो है वो √3/2 होता है, अगर आप 30 के अंदर 360 ऐड कर दो तब भी आपको √3/2 ही मिल रहा होगा। तो साइन और कॉस के अंदर आप 2π ऐड कर रहे होते थे, जबकि टेंजेंट के अंदर आप पाई ऐड करते थे, ठीक है। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो है उसके अंदर भी आप पाई ऐड करोगे, तो इस पूरी चीज के अंदर मैं पाई ऐड करता हूँ, मतलब 2π/3x के अंदर मैं यहाँ पे पाई ऐड करता हूँ। तो जो इसकी वैल्यू होगी सेम इसी की वैल्यू होगी, क्योंकि पाई पीरियड है ना, पीरियड का मतलब होता है दोबारा वैल्यू रिपीट कर रही होती है। तो कॉट और टेंजेंट के अंदर आप यहाँ पे पाई ऐड किया करोगे। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप बच्चों, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी x के साथ लिखा होगा उसको आपने कॉमन लेना है। अब देखते हैं मैं x के साथ क्या लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, x के साथ लिखा हुआ 2π/3। आप क्या करो, 2π/3 को कॉमन ले लो। जब मैं 2π/3 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो इस पाई में से मैंने जबरदस्ती 2π/3 कॉमन लिया। तो जब आप जबरदस्ती कॉमन लेते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब इससे आप जबरदस्ती कॉमन लोगे तो जो चीज आपने कॉमन ली होगी ना उसको आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने पाई से जबरदस्ती 2π/3 कॉमन लिया ना, तो आप क्या करो, पाई को डिवाइड कर दो 2π/3 से। क्यों? जब आप दोबारा 2π/3 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, ये चीज आ जाएगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म से, ये कैंसिल होकर दोबारा आपके पास पाया आ जाएगा। तो जबरदस्ती आप कॉमन लेते ना, तो ये हम कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो, मैं लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, ब्रैकेट थोड़ा अगर ध्यान से लगाओ तो बात आपको समझ आ रही होगी। मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा रहा हूँ, जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो आप लोग समझ रहे हो। यहाँ पे जो एफ फंक्शन है ना, ये एफ फंक्शन क्या है, ये एफ फंक्शन है 7/2 cot 3। क्या होता है, एक्स इनपुट होता है। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट क्या आता है, एक्स। तो यहाँ पे भी एक्स आ गया। अब अगर आप इस बार फंक्शन को देखो, ये सेम ही फंक्शन है 7/2 cot 2π/3, 7/2 cot 2π/3। बस फर्क क्या है, इसके इनपुट में x आ रहा था, इसके इनपुट में ये पूरी चीज आ रही है। इसको आप किस तरीके, जैसे इसको आपने लिखा था f(x), मतलब f ऑफ इनपुट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका इनपुट क्या है, ये पूरा इनपुट है आपका। जरा इसको लिखते हैं। पहले तो बात, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये एग्जैक्ट वही है जो आपने ऊपर पढ़ा था। इसको जो सिंप्लीफाई किया था तो आंसर आपके पास क्या आ रहा था, 3/2 आ रहा था। तो पूरा सिंप्लीफाई करो, एंड पे आंसर आ रहा होगा 3/2। जो आपका इनपुट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इनपुट x था, यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, x + 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेज के बाद अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी f(x)। जब ये कंडीशन आपकी आ जाए, आप देखो x के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, x के साथ 3/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे पीरियड जो है वो 3/2 है। ये सबसे इजी तरीका होता है, अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो 4-5 स्टेप के अंदर आपने इस तरीके से पीरियड निकालना है। ये वही काम है जो आपने यहाँ पे किया है, बस थोड़ा लंबा करके आपने पूरी सिंप्लीफिकेशन की है। और डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बता दिया। मैं 1-2 और सवाल करवाता हूँ, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो किस तरीके से करोगे वो जरा हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए, सारे इजी फंक्शन ही है। मैं पार्ट नंबर 12 की बात करता हूँ, फिर खत्म करते हैं। टॉपिक में भी मैंने आप लोगों को बहुत एग्जांपल दी थी। पार्ट नंबर 12 में लिखा है -2/5 sec 3x/π। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है sec secant। secant का पीरियड क्या होता है, 2π को आपने डिवाइड करना है उस नंबर से जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/π। अगर आप ये x देखो, x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3/π लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसको आसानी से इस तरह भी लिख सकते हो, 3/π। तो 2π को मैंने डिवाइड कर दिया 3/π से। ये वाला पाई जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। जब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2π², और नीचे क्या मौजूद है, 3। ये है बच्चों आपका पीरियड। तो सिंपल आपने 2π को डिवाइड कर दिया जो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था। सिंपलीफाई करो, पीरियड आपके पास आ जाएगा 2π²/3। इस तरीके से अगर एमसीक्यूज में आएगा तो डायरेक्ट आप पीरियड निकाल रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी टॉपिक था जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सेम तरीके से होगा, कोई फर्क नहीं है। देखने में जो मुश्किल लग रहा है वो आई गेस पार्ट नंबर 3 लग रहा है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 इसलिए मुश्किल है क्योंकि b के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो चलो मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ, इक्वल टू 6 - 1/3 साइन 3θ + 2। आपको सवाल दिया गया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो ये एमसीक्यूज में आएगा सवाल। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। शुरू के जो 4 पार्ट लिखे हुए ना, वो 4 किस्म के फंक्शन है जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। उनमें फॉर्मूला आपके पास सेम ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होगा ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, और अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होगा ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी। अब बस आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ए और बी क्या है। तो पहली चीज जो आपके पास लिखी हुई है इसको आप ये ए बोलोगे, और ये दूसरी चीज माइनस 1/3 जो है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं। मैक्सिमम कैसे निकालते हो, ए प्लस बी, बी क्या है -1/3। इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ए माइनस बी का मॉडुलस। फिर क्या होगा, आपको पता है मॉड के अंदर माइनस आ जाए तो माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा सिंपल 6 + 1/3, और ये हो जाएगा 6 - 1/3। अंदर वाला माइनस खत्म, बाहर वाला माइनस जो है ये मौजूद होगा। अब फाइनल आंसर क्या होगा, 3 × 6 = 18, 3 को 6 से करो 18, 18 + 1 क्या होता है 19, ये हो जाएगा 19/3। अच्छा, 3 × 6 = 18, 18 - 1 17, ये हो जाएगा 17/3। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी इस फंक्शन की 19/3, और मिनिमम वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे 17/3। ठीक है, अब पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 एक तरीके के हैं, तो मैं पार्ट नंबर 5 कराता हूँ। उसमें माइनस आ रहा है, -12 sin 3θ - 2, ये है। ये जो एंड के 2 सवाल हैं, इसमें आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है ना इसको कंसीडर करना होता है। जरा डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको कंसीडर करते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। कंसीडर करो 25 - 12 sin 3θ - 2, इसको कंसीडर करते हैं। इसकी सबसे पहले हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम को आप नॉर्मली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो, लिख लेना यहाँ पे, और मिनिमम को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, अगेन फॉर्मूला वही है, a प्लस मॉडुलस ऑफ b। a यहाँ पे है 25 प्लस यहाँ पे -12, तो -12 का मॉडुलस, -12 का मॉडुलस 12 ही होगा। 25 + 12 क्या होता है 37, ये आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, 25 - मॉडुलस ऑफ b, 25 - 12 जो के बराबर हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ना उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। अब आपने पूरे फंक्शन की निकालनी थी, तो मैंने एक तरीका क्या बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मैं डायरेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्कस किया था कि अगर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो आप ये वाला मेथड यूज करते हो, क्या कि ओवरऑल इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लिखेंगे m प्राइम। m प्राइम का मतलब ओवरऑल इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला हम यूज करते थे 1/m, और इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को आप लिखोगे m प्राइम, जिसका फॉर्मूला होगा 1/M। अब अगर ये बात नहीं समझ आई तो जाके देख लेना, वहां पे मैंने पूरा कल डिटेल में समझाया था। तो वैल्यूज आपने स्मॉल m की निकाली हुई, स्मॉल m क्या है 13, तो ये हो जाएगा 1/13। तो ओवरऑल इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 1/13, और इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी 1/M। कैपिटल M क्या 37, ये मिनिमम वैल्यू। ये सेंस भी बना रही है, आप देखो 1/13 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 1/37, 1/37 और छोटा नंबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की, और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इस फंक्शन की। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।